हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अडेप्टेशंस, और आज हम एक पैरा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन या पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या होता है बेटा पॉपुलेशन? चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हमने हायरार्की देखी थी, इकोलॉजिकल हायरार्की, जिसके अंदर हमने कुछ ऑर्डर्स देखे थे कि ऑर्गेनिज़म्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज़ के, जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो अलग अलग जो स्पीसीज़ है वो रिप्रोड्यूस करके डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस बनाती हैं। पॉपुलेशन होती है किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर किसी एक प्लेस के ऊपर सिमिलर टाइप की स्पीसीज़ हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हों, और काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये होती है बेटा सिंपली पॉपुलेशन। अब अपन देखेंगे कि पॉपुलेशन में और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है, क्या अपन किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन बोल सकते हैं और क्यों नहीं बोल सकते, और बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से अपन डेफिनेशंस के साथ साथ में चलते हुए, बहुत ईजी टॉपिक है बेटा, इसके साथ साथ में अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज़, यानी ग्रुप ऑफ स्पीसीज़, स्पीसीज़ क्या होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हो, एक कॉमन जीन पूल से बिलोंग करती हो, एंड एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज लाइव इन ए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, जो सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती हो आपस में, एक ही रिसोर्सेज पे, एक ही टाइप के रिसोर्सेज पे डिपेंड हो, सिमिलर टाइप के रिसोर्सेज पे डिपेंड हो एंड पोटेंशियली इंटरब्रिड, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रिड का मतलब है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि आपस में क्या कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पॉपुलेशन बनती है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड ए पॉपुलेशन फॉर पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, इसको भी हम इकोलॉजिकल स्टडीज में यूज करते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। ए पॉपुलेशन हैज एट्रीब्यूट्स वेयर एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव। पॉपुलेशन होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको वो फॉलो करती है, लेकिन एक इंडिविजुअल होता है वो कभी भी फॉलो नहीं करता। इंडिविजुअल की अगर अपन बात करते हैं, या तो इंडिविजुअल की डेथ होगी या उसका बर्थ होगा। इंडिविजुअल की क्या क्या खास बात होते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल स्पीसी है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, या तो उसकी बर्थ होगा या फिर उसकी डेथ होगी, इसमें अपन दो ही रेस्पेक्ट में बात करते हैं। लेकिन यहीं पे बात आती है बेटा पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। पॉपुलेशन के बेसिक फंडाज की अगर अपन बात करते हैं, तो हम देखते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, और हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं। बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, देखो कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे, सपोज मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पर ईयर कितने बर्थ हो रहे हैं, पर ईयर कितनी डेथ हो रही हैं, इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। बर्थ रेट जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, डेथ रेट है वो पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है मतलब पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ पर ईयर पॉपुलेशन का, ये हम बर्थ रेट से निकाल सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर प्लेस के अंदर। वहाँ पर मान लो एक अपन बेसिक आइडिया लेकर चलते हैं, तो एक ईयर के मतलब स्टार्टिंग में हमने देखा कि 1000 है वहाँ की जो पॉपुलेशन है। अगर अपन ह्यूमंस की बात करते हैं, पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज़ की अलग अलग पॉपुलेशन हो सकती है, अपन बात करते हैं ह्यूमंस की मान लो पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1000 है। एक साल बाद में हमने देखा कि 1000 से उसके अंदर वो हो गई 1250 हो गई वो पॉपुलेशन, कितनी 250 इंक्रीज हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 1000 वहाँ की पॉपुलेशन आपको निकल कर आ जाएगी। इसी तरीके से जितनी डेथ हुई है वो भी अपन निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट डेथ रेट हुई है। ये होती है बेटा क्या,
पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं जो डिफाइंड करते हैं, ये अपन किसी एक इंडिविजुअल के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते, इंडिविजुअल को हम इनके थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते, इंडिविजुअल को हम डिफाइन करते हैं या तो बर्थ या डेथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ए पॉपुलेशन हैज़ एट्रीब्यूट्स वेयर एज इंडिविजुअल हैज डज नॉट हैव, इंडिविजुअल का किसी तरह का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, या तो उसकी बर्थ होगी या उसकी डेथ होगी, उसकी लिमिटेड लाइफ स्पान होगी, वो उसी पे वही फैक्टर एक उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एन इंडिविजुअल मे बी बर्थ्स एंड डेथ्स बट ए पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। पॉपुलेशन की क्या होती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट होती है। इन ए पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर्स टू, अगर इसी इन्हीं को बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स को हम अपन क्या बोल देते हैं, रेफर्स टू पर कैप्टा बर्थ रेट एंड डेथ रेट, पर कैप्टा बर्थ रेट पर कैप्टा डेथ रेट की पर ईयर की अपन बात करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी डेथ हुई कितनी बर्थ हुई किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो इसी के रेस्पेक्ट में बेटा अपन इनको डिफाइन करते हैं। अब अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एक सिटी का एग्जांपल लिया, अब आप अपनी एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। इन ए पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर, पिछले साल एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस के प्लांट थे, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड एंड टेकिंग द करंट टू 28। अब पिछले साल 20 लोटस के प्लांट थे किसी एक पॉन्ड के अंदर, एक साल बाद उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन करके 8 इंक्रीज हो गए, तो 20 थे लास्ट ईयर, कितने थे 20 थे, एक साल आफ्टर वन ईयर, आफ्टर वन ईयर 8 और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए 28 लोटस प्लांट हो गए। तो 28 का निकालना है, मतलब इंक्रीज ऐड कितने हुए 8 हुए, तो जितने ऐड हुए उससे उसको अपन डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर इतना आ गया कि 0.4 कॉन्ट्रीब्यूशन रहा पर्टिकुलर लोटस प्लांट का, कितना रहा 0.4। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अपन किसी का भी निकाल सकते हैं ये, किसी भी उसका एट्रीब्यूट अपन बात कर सकते हैं। सपोज अपन पैसों की बात करते हैं कि पर इनकम, मतलब इंडिया की जो आबादी है वो कितनी है, तो जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका इनकम भी निकाल सकते हैं कि पर पर्सन ने कितना कमाया, ऐसा ज़रूरी नहीं है एवरेज आ जाएगा कि एक इंडिया के अंदर पर पर्सन इतना अर्न करता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई है बिल्कुल नहीं कर रहा, कुछ है जो कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो पूरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है बेटा। अब अपन आगे बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो की, सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो की अपन बात करते हैं, सेक्स रेशियो होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने मेल और कितने फीमेल्स प्रेजेंट है, वही उस क्या है सेक्स रेशियो है। तो पॉपुलेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं, बर्थ रेट पर कैप्टा, डेथ रेट पर कैप्टा, और अगर अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन इज द सेक्स रेशियो, किसी पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो भी होगा, अगर अपन इंडिविजुअल की बात करते हैं या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर मेल्स भी होंगे और फीमेल्स भी होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने सेम सिमिलर टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं वही क्या है पॉपुलेशन है, जो इनब्रीडिंग कर सकती हैं आपस में क्या कर सकते हैं मेटिंग कर सकते हैं, तो इसी बिहाव पे अपन सेक्स रेशियो निकालते हैं। और सेक्स रेशियो जैसे कि अपन हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर सेक्स रेशियो बॉयज़ फीमेल गर्ल्स एंड बॉयज़ का क्या है, तो अपन बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं कि पर 1000 बॉयज़ कितनी गर्ल्स हैं, पर 1000 बॉयज़ राजस्थान में कितने 933 हैं, हरियाणा में कितना 833 है, यानी पर बॉयज़ सेक्स रेशियो है वो क्या है कम है, ठीक है। तो ये हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पॉपुलेशन को 3 एज डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर दिया, कुछ हैं प्री रिप्रोडक्टिव, कुछ हैं रिप्रोडक्टिव और कुछ होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 फेजेस के अंदर हमने पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी 13 से कम के, यानी
जो प्यूबर्टी एज से पहले के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, टीनेजर्स हैं जितने भी, वो सब आ जाते हैं किसके अंदर बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव में। रिप्रोडक्टिव के अंदर जितने भी एडल्ट हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में मीनोपोज के बाद 40-50 अबव 50-80 की जो है पॉपुलेशन वो आ जाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। इसी के बिहाफ पे अपन थ्री पिरामिड्स के हेल्प से अपन इनको देखेंगे। थ्री पिरामिड्स की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये थ्री पिरामिड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हमने क्या किया है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। इकोलॉजिकली द पॉपुलेशन हैज थ्री एज ग्रुप्स। इकोलॉजिकली पॉपुलेशन के कितने एज ग्रुप्स हैं, थ्री एज ग्रुप्स अपन ने डिसाइड किए हैं बेटा। वन इज द प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे आपको तीन कर्व दिखाई दे रहे हैं, तीन पिरामिड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनके हेल्प से अपन समझने की सोचेंगे। अब मैंने इनमें कुछ कलर मेंशन किया है, तो सबसे पहले अपन मैं आपको कलर क्लियर कर देता हूँ कि येलो कलर से रिप्रेजेंट मैंने किया है प्री रिप्रोडक्टिव। जो येलो कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है वह रिप्रेजेंट करती है प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर को। एंड सेकेंड वन जो आपको ब्लू कलर की लाइन है, वॉयलेट कलर की जो लाइन है, ये डिसाइड करती है रिप्रोडक्टिव को। और लास्ट एंड फाइनल पिंक कलर का जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी बड़े बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन साहब जिन्हें बोलते हैं, उनके पिरामिड को ये, उनके नंबर को ये किसी भी एक पर्टिकुलर पिरामिड में रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, एक्सपेंडिंग पिरामिड, जो किस शेप का, एक तरीके से ट्राइंगुलर शेप आपको कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या होता है कि ये जो आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है बेटा, इसके अंदर क्या है कि ये जो है प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है वो ज्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव का नंबर है वो यहां से कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव और भी कम है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है, और भी कम है। इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव है वो ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा बर्थ रेट है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 100 है, और वो पर ईयर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा 150-170 ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है वो ज्यादा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर की ओर अपन जैसे ही चलते हैं, यहाँ पे अपन चलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है बेटा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है। आफ्टर रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है वो क्या है, कम है। यानी रिप्रोडक्टिव से यहाँ से किसी की भी मान लो डेथ हो रही है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, कोई डिजीज से जा रहा है या फिर कोई नॉर्मली उसकी जो डेथ है, लाइफ स्पान, सारे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। किसी भी बिहाफ पे अपन देखते हैं यहाँ पे इनके जो नंबर हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव के वो कम देखने को मिलते हैं। ऐसा जो ग्राफ है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सेकेंड कर्व बेटा आपको स्टेबल दिखाई दे रहा है। स्टेबल के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के जो नंबर हैं वो लगभग सिमिलर हैं। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के जो नंबर हैं वो लगभग क्या हैं, सिमिलर हैं। ये 40 तक, ये जो दोनों दिखाएं ये भी लगभग सिमिलर दिखाएं, ये लगभग 40-50-55 तक क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मान लो फीमेल्स के अंदर तो मीनोपोज आ गई, बट मेल्स के अंदर तो रिप्रोडक्टिव जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक होती है, जल्दी से वो इनफर्टाइल नहीं होता। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो उनका नंबर क्या है, कम है। उनका नंबर क्या है बेटा, कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। एंड लास्ट एंड फाइनल जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है वो है डिक्लाइन। इसको अपन बोलते हैं स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो लगभग सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिक्लाइन को बताता है। डिक्लाइन क्या बता रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर वो इससे ज्यादा है, यहाँ से क्या है, ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव के नंबर प्री रिप्रोडक्टिव से क्या है, ज्यादा है। यहां पर क्या हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा एफिनिटी से क्या कर रहे थे, बर्थ रेट थी वो काफी ज्यादा थी, कि 100 थे, 150, 170, 175 जो चाइल्ड्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पर जो कैपेबिलिटी थी जो वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा थी। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा रेट से जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर, इस वजह से प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर यहाँ पे ज़्यादा था। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है वो कम है। यहाँ पे एक या दो बच्चे ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये 20-40-45 तक की जो एज है ये रिप्रोडक्टिव को बताती है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर फिर से कम है। यहाँ पे पहले प्री रिप्रोडक्टिव का कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है।
ये एक तरीके से अर्न शेप का कर्व है, अर्न शेप या बेल शेप जिसको अपन बोलते हैं, ये कुछ ऐसा है, हमें कर्व दिखाई, यहाँ पे ये जो पिरामिड है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये यूएसए और यूएसए जैसे कंट्रीज हैं उनका कर्व है ये, कि वहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के नंबर कम है, रिप्रोडक्टिव का नंबर यहाँ पर क्या है बेटा, ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव यहाँ पे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अब अपन आगे चलते हैं इसके अंदर, ये कर्व हमारे तीनों बात हो गए, पहला है एक्सपेंडिंग यानी यहाँ पर ये ज्यादा है, फिर ये कम है, ये और कम है, कुछ इस रेस्पेक्ट में देखते हैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ, तो यानी ये एक्सपेंड होता जा रहा है, ये वाला है ये स्टेबल होता जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही हम आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर काफी ज़्यादा है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव के, और फिर सॉरी फिर रिप्रोडक्टिव के, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव के, तो ये एक्सपेंडिंग है, इंक्रीज होता जा रहा है, पॉपुलेशन है यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव की वो ज़्यादा है, ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर कम इक्वल हैं लगभग पोस्ट रिप्रोडक्टिव के लिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। एंड डिक्लाइन के अंदर दोनों के ही नंबर कम हैं, यानी यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव भी कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है, ओनली जो नंबर ज़्यादा है वो किसका है, रिप्रोडक्टिव का है। तो इसके बेसिस पे अपन ने सबसे पहले इसमें देखा क्या, एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पॉपुलेशन को थ्री कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव जो मेटिंग नहीं कर रहे, जो मतलब अभी प्यूबर्टी एज तक पहुंचे हैं, आफ्टर 18 जब भी मैरिज होती है उसके बाद में जो एडल्ट एज आती है जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, हर कोई प्री रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव के अंदर जाएंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो आफ्टर द रिप्रोडक्टिव एज, ये तीनों हमारी ज़िंदगी के अंदर आती और जाती रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन के अंदर कंसिडर किए जाते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स के अंदर। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। अब अपन बेटा आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे हमारे पास में है कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया स्पेस एट गिवन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में पर यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं उसी के रेस्पेक्ट में हम पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन को हम, किसी भी पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन डेंसिटी के रेस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं, कभी भी हम ऐसे मेजर नहीं करते कि नंबर के बेसिस पे नहीं करते, हम हमेशा उसकी डेंसिटी के बेसिस पे करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो पर यूनिट एरिया और या फिर पर यूनिट स्पेस की हम बात करते हैं, अगर इंसेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो एयर में भी मिलेंगे, एटमोसफेयर में भी मिलेंगे और लैंड पर भी मिलेंगे, तो पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कितने वो हैं। अगर हम फिशेज की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में भी हम स्पेस की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर गिवन स्पेस के अंदर कितने नंबर प्रेजेंट है, वही क्या कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की जो साइज होती है उसका जो नंबर होता है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। हम इसको एक स्टैंडर्ड वे में देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यही जो पॉपुलेशन डेंसिटी ही पॉपुलेशन का नंबर हुआ है साइज को डिफाइन करती है, कि अगर एक कल्चर मीडियम के अंदर, एक कल्चर मीडियम है, एक न्यूट्रिटिव मीडियम है जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा है, तो हम उसकी डेंसिटी ही देखेंगे कि कितनी डेंसिटी है यहाँ पर। अगर आपको किसी पॉन्ड के अंदर फिशेज की डेंसिटी निकालनी है तो आपने एक बार जाल फेंका जहाँ भी, और वहाँ पर कितनी उस जाल के अंदर कितने नंबर के अंदर फिशेज आई, तो वही उस पॉपुलेशन की वहाँ पे उस पॉन्ड के अंदर फिशेज की डेंसिटी है, कि कितनी डेंसिटी के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा हैं कितनी आ रही हैं पर नेट के अंदर, जैसे ही हम उनको वापस से पिकअप कर रहे हैं वही पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है जो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी किसी में अपन नंबर के बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं और कहीं कहीं पर अपन बायोमास के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो अभी एक एग्जांपल है जिसकी हेल्प से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। इन एन एरिया देयर आर 200 पार्थिनियम प्लांट्स, एक एरिया है जहां पर 200 पार्थिनियम के प्लांट्स हैं, बट ओनली ए सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद लार्ज कैनोपी, एक बड़ा बनियान ट्री है जिसकी बड़ी सारी शाखाएं हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं हैं,
स्टार्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर शुरुआत में हम बात करते हैं दोनों को साथ में ग्रो किया तो स्टार्टिंग के अंदर बनियान ट्री की जो डेंसिटी है वो लो होगी रिलेटिव टू द पार्थेनियम अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ द बनियान ट्री इन द कम्युनिटी इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। यानी उसके बायोमास के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे कि बायोमास किसका ज़्यादा है एक कम्युनिटी के अंदर जो किसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से मिलकर बनी है, वहाँ पे पार्थिनियम के भी हैं वहाँ पर बनियान ट्री भी हैं, तो दोनों के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अगर हम बायोमास के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बनियान ट्री की होगी, नंबर के बेसिस पर हम बात करते हैं तो पार्थिनियम होंगे। इसी के बिहाफ पे अपन पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज, ये सारी चीज़ें अपन निकालते हैं। अब बेटा अपन बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। आगे अपन जो अपना अगला पॉइंट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अगर आपको टाइगर्स का नंबर काउंट करना है तो आप उसके पैलेट्स जो हैं उसके पैर हैं उनको देख कर करेंगे, या फिर उसका जो डंग है उसको काउंट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितने टाइप का कैसा है, उससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी और ये सब मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, वो उनके जो पैलेट्स हैं जो उनके पाँव के निशान है उसके बिहाफ पे अपन ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी अपन ने पॉपुलेशन के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा कि पॉपुलेशन है क्या, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर स्पीसीज जो कि पोटेंट हैं, कंपीट करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, जो कि आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, और असेक्सुअल को भी हम काउंट करते हैं पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि पॉपुलेशन के पास में एट्रीब्यूट्स होते हैं बट इंडिविजुअल डज नॉट हैव एट्रीब्यूट्स। लाइक एक इंडिविजुअल की हमने बात की तो वहाँ पर या तो क्या होगा, बर्थ होगा या डेथ होगा, लेकिन अगर अपन बात करते हैं कंप्लीट पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में तो उनके पास बर्थ रेट होगी, डेथ रेट होगी, और सेक्स रेशियो, और अपन बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशंस की रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि एज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो ये सारी चीजें बेटा अपन ने डिस्कस की। अब अपन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, यहां पर आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन इसको, इसको एंड इसको, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन है वो चेंज होती है। देखो पॉपुलेशन कभी भी स्टैटिक नहीं होती, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, बहुत सारे रीज़न हैं। कोई प्रेडेशन, कोई प्रीडेटर आकर उन पर अटैक कर दे, कोई सीजनल चेंज हो गया, कोई वेदर अगर डिस्टर्ब हो गया तो भी क्या हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, वो कभी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो अपन वन बाय वन देखते हैं कि कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अफेक्ट होती है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक। किसी भी स्पीसीज के लिए जो साइज है पॉपुलेशन की वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। खराब वेदर, प्रीडेशन प्रेशर, कुछ भी एक सारे रीजन हो सकते हैं। कोई प्रीडेटर ने अटैक कर दिया, मान लो कि कोई हिरण का झुंड है उसके ऊपर लायन ने अटैक कर दिया, तो उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी जो डेंसिटी है उसके अंदर आ गया डिफरेंस। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन फोर बेसिक प्रोसेसेस, टू ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूट एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टू डिक्रीज। यानी फोर फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं। वन बाय वन मैं पहले आपको बता देता हूं। देखो फोर फैक्टर्स कौन से, जिसमें से टू हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। सपोज पॉपुलेशन डेंसिटी है कोई किसी एरिया की, अगर वहां पे कोई एक स्पीसीज है वो रिप्रोड्यूस करती है, यानी उसको रिप्रोड्यूस को करने को यानी बर्थ देने को हम बोलते हैं नेटेलिटी। अगर वहाँ पर नेटेलिटी रेट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। दूसरा फैक्टर आई माइग्रेशन होना, आई माइग्रेशन मतलब कोई बाहर से माइग्रेट करके उस पॉपुलेशन का अंदर एंट्री लेना, तो भी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। सेकंड वन इज द मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ होना, डेथ होना यानी मोर्टेलिटी। अगर किसी पॉपुलेशन में से कुछ मान लो 10 लोगों की डेथ हो गई तो क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई,
दूसरा आई माइग्रेशन की वहां से माइग्रेट करके किसी दूसरी प्लेस पे वो मूव कर गई। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो अपन वन बाय वन बेटा देखते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है नेटेलिटी। नेटेलिटी इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड इन पॉपुलेशन, ठीक है बेटा, दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी, यानी वो इनिशियल डेंसिटी के अंदर एड हो जाना, जिसको अपन रिप्रेजेंट नेटेलिटी, ठीक है बेटा, बर्थ रेट से, यानी इसको बी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको अपन बी से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ होना। ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी इंक्रीज करता है। सेकंड वन इज द मोर्टेलिटी, इट इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, इसको अपन क्या बोलेंगे, किसी एक गिवन पीरियड के अंदर किसी जगह पे डेथ होना, यानी क्या हो गया, मोर्टेलिटी, इसको अपन क्या बोल देते हैं, मोर्टेलिटी। आई माइग्रेशन, यानी इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव, यानी किसी सेम स्पीसी का जो है वो किसी दूसरे हैबिटेट से अपने एक हैबिटेट के अंदर ट्रांसफर होना, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इन टू द हैबिटेट फ्रॉम एलिसवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, किसी एक टाइम पीरियड के लिए वो उस एरिया के अंदर आ जाना। तो ये सारे क्या है बेटा, ये आई माइग्रेशन, ये भी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। कौन कौन सा, नेटेलिटी एंड आई माइग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मोर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यहां पर है ई माइग्रेशन, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एलिसवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, यानी किसी उसी टाइम पीरियड के अंदर वो वहां से कहीं से मूव करके दूसरी प्लेस पे चले जाना, तो ये क्या कहलाता है बेटा, ई माइग्रेशन। ओके, तो यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है कि ये जो फोर फैक्टर्स हैं, ये दोनों हैं, ये और ये क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी से, इसको अपन आई से, तो बी प्लस आई जो है ये क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर मोर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन, डी प्लस ई जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर अपने को सारी चीजें समझ में आ गई। एन टी जो रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी एक टाइम पीरियड के लिए, बी बर्थ रेट, आई माइग्रेशन, डी डेथ रेट एंड ई माइग्रेशन। ओके, तो यहां पर सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी टाइम पीरियड टी के लिए, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन इज, इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है नीचे कि एन टी प्लस वन, यानी किसी टाइम पीरियड वन पे एन टी प्लस बर्थ रेट आई माइग्रेशन इज इक्वल टू डेथ रेट ई माइग्रेशन, इससे आपको यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन डेंसिटी आपके सामने निकल कर आ जाएगी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है, कि अगर डेथ रेट ज़्यादा हुई है, अगर मान लो डेथ ज़्यादा हुई है तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या हुआ है, फॉल डाउन हुआ है, अगर बर्थ रेट और आई माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है तो पॉपुलेशन डेंसिटी सीधी सी बात है क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर अपने को दे रखा है कि बी प्लस आई अगर ज़्यादा है एंड डी प्लस ई के कंपेयर में, बी क्या है बर्थ रेट, आई माइग्रेशन, ये दोनों अगर ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। यानी बर्थ रेट और आई माइग्रेशन का मतलब किसी सेम स्पीसी का कहीं से ट्रांसफर होकर इस पॉपुलेशन के अंदर आना, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या हो रही है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर यहां पे डेथ रेट और ई माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, किसी प्लेस से सिमिलर टाइप की स्पीसीज मूव कर रही है और उसी टाइप की स्पीसीज की डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। यानी वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें क्या आ जाएगा, फॉल डाउन आ जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब अपन ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं कि ग्रोथ मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिनको आप इजीली समझ सकते हैं अपन।
एन से रिप्रेजेंट, ये बस आपको सिंबल्स, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, टी का मतलब है किसी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो किसी टाइम के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर कितनी बर्थ हुई, कितनी इमाइग्रेशन हुई, उसमें से अपन माइनस कर देते हैं कितनी डेथ हुई और कितना इमाइग्रेशन हुआ, यानी कितने लोग, कितनी उसी स्पीसीज की पॉपुलेशन है जो वहाँ से ट्रांसफर हो गई किसी दूसरी प्लेस पर और वहाँ पर कितनी डेथ हो गई, तो वो डिसाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये इक्वेशन दिखाई दे रही है कि ग्रोथ मॉडल्स क्या है बेटा। ग्रोथ मॉडल्स, ए ग्रोथ मॉडल शोज द स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ए ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विद टाइम, किसी एक टाइम पे प्रेडिक्टेबल यानी कि कैसी ग्रोथ हो रही है वो बताता है हमें। ग्रोथ मॉडल्स हमें सिर्फ यही समझाते हैं कि इन स्पीसीज की किस टाइप की ग्रोथ है और कैसी ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है, पहले कंटिन्यूअस है फिर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसी टाइप से अपन ये ग्रोथ मॉडल्स देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे डरावने लगते हैं ग्रोथ मॉडल्स, बट बिल्कुल सिंपल हैं ग्रोथ मॉडल्स में, आपको बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो दो तरह के ग्रोथ कर्व हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक है लॉजिस्टिक और रियल ग्रोथ कर्व। एक होता है अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ फूड के अंदर और एक होता है लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फूड के अंदर। ठीक है कि वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कितना भी खाना, फुल ग्रोथ, फुल ब्रीडिंग कर सकते हैं, फुल मेटिंग कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज होंगे तो अपना पेट भरेंगे, नंबर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनका इंक्रीमेंट होगा, तो आप सीधी सी बात है आपके कर्व पहले ही दिमाग में आ चुका, तो अपन एक बार फिर भी बात करते हैं। यहाँ पर बेटा अपन देखने वाले हैं कि ये जो कर्व होगा ये जे शेप का होगा, ये जो कर्व है ये कुछ ऐसा आपको कर्व दिखाई दे रहा है, इसी कर्व को अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल कर्व या जे शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। तो बेटा अपन यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है डी एन बाय डी टी, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं डी एन बाय डी टी के रिस्पेक्ट में। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा भी होगा, डी पी बाय डी टी आप पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से ये है डी एन बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू टाइम अपन देखते हैं, उसी तरीके से ये है कि डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे बी क्या है बर्थ रेट एंड डी क्या है डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितनी बर्थ रेट हुई, कितनी डेथ रेट हुई, टोटल कितने हैं, उससे अपन क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इसने माना है कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू आर, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इसको अपन ने क्या माना है आर। आर क्या है बेटा, आर इज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि रेट के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, यानी इसको कंबाइंडली आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई और उसमें से जो ज़्यादा है वही अपन बताएंगे कि टोटल कितना आएगा, ये बी माइनस डी अपन कैलकुलेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर को बी माइनस डी से। और यहाँ पर इसने क्या माना है आर इंटू एन के रेस्पेक्ट में अपन ने इसको ले लिया, यहाँ पर अपन इसकी जगह आर रखेंगे तो आर इंटू एन डी एन बाई डी टी। तो इसका जो बेटा कर्व है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बर्थ और डेथ का जो कर्व है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड अगर रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं तो हमेशा हमें कर्व ये देखना है, पहले वाला जो ये कर्व है हमें यही देखना है एक्सपोनेंशियल कर्व ये वाला, इसी को अपने को ध्यान में रखना है। ए और बी दो कर्व हैं, इस पे अपने को ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी आपको बिल्कुल। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूअसली ये क्या जा रहा है, क्योंकि ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए है। तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है, कि यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो रेट जो है वो फास्ट फास्ट रिप्रोड्यूस कर रही हैं, डेथ हो रही हैं वो कम हो रही हैं और इंक्रीज हो रहा है लेंथ के अंदर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में अब ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एन रिप्रेजेंट करते हैं अपन पॉपुलेशन डेंसिटी, आर रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, टी क्या है टाइम है। अब यहाँ पर अपन सेकंड जो कर्व है रियलिस्टिक कर्व या लॉजिस्टिक कर्व जिसको अपन बोलते हैं, इसको ये नाम आपको याद रख लेना है। और बेटा हाँ यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अपन ने बी माइनस डी ही क्यों इंक्लूड किया, आई और ई को अपन ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, ये अपन इंक्लूड क्यों नहीं करते। एनसीईआरटी में एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि आई और ई को अपन मेंशन वहीं करते हैं जहाँ पर मान लो कोई नई कम्युनिटी
बस ये है कि कोई नई कम्युनिटी वहाँ पे है, अगर पहले से ही कोई पुरानी कम्युनिटी वहाँ पे स्टेबल है तो उसके अंदर सिर्फ अपन बर्थ रेट और डेथ रेट ही चेक करते हैं, ना कि ये ई और आई माइग्रेशन। तो यहाँ पर अपन ये इंक्लूड नहीं करते हैं ई माइग्रेशन और आई माइग्रेशन। यानी डेंसिटी निकालने के लिए अपन ने क्या यूज़ किया था, डेंसिटी निकालने के लिए अपन ने यूज़ किया था कि बी प्लस आई डी प्लस ई माइनस कर देते थे इन दोनों में से। इसके साथ में अपन एडिशनल आई भी तो यूज़ करते थे, बर्थ रेट के साथ में आई भी यूज़ करते थे और डेथ के साथ में ई भी करते थे, पर यहाँ पर ये अपन यूज़ नहीं करते। अब बेटा अपन सेकंड कर्व की बात करने जा रहे हैं कि सेकंड कर्व कौन सा है, लॉजिस्टिक कर्व है। ये जो लॉजिस्टिक कर्व है ये क्या है, दिस लीड्स टू कंपिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मेरी बात आप बिल्कुल रिमाइंड में रखना कि यहाँ से जो बेटा क्वेश्चन बनता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि एक्सपोनेंशियल जो कर्व है वो कैसा है, जे शेप का ग्रोथ कर्व होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने को बात करनी है बेटा सेकेंड कर्व के बारे में, ये जो बी वाला कर्व है लॉजिस्टिक कर्व के बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है। लॉजिस्टिक कर्व के अंदर क्या है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, यहां पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो स्पीशीज के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। स्टार्टिंग के अंदर पहले लेग फेज आएगा, पहले धीरे धीरे, फिर एकदम से एक्सीलरेटिंग फेज आएगा, यहां पर ये वाला एक्सीलरेटिंग आ जाएगा, एक्सीलरेट करेगा, ठीक है, एक्सीलरेटिंग आ जाएगा, लेग लोग और एक्सीलरेटिंग फेज आ जाएगा, और ऐसे चलने के बाद में क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि ये एक जगह यहाँ पे आके स्टैटिक कैसे हो गया, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एक ऐसी कैपेसिटी, जैसे कि मान लो कि एक बहुत ही जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आप अपने ऊपर कितने छोटे बच्चों को आप लाद सकते हैं, अपने चारों तरफ मतलब कैच कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, उसके बाद में आपकी कैपेसिटी नहीं है, एक लिमिटेड कैपेसिटी, एक लिमिटेड रिसोर्सेज की, जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में एक लिमिटेड रिसोर्सेज कि वहाँ पर मान लो कि किसी इतने ही रिसोर्सेज हैं कि 500% ही वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की ग्रोथ होगी तो वो उस एरिया में तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सपोज चारों तरफ पानी है और यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस है जहाँ पे खाने की रिसोर्सेज हैं और वो उतने ही हैं कि वहाँ पे 300-400 का काम चले, तो वही क्या है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी है। अब इसको अपन डेफिनेशन के वे में भी देख लेंगे, बस कैरिंग कैपेसिटी वही है कि एक पर्टिकुलर कैपेसिटी जहाँ पर कितने लोग सर्वाइव कर सकते हैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंडर में, वही क्या कहलाती है, उस एरिया की कोई भी पर्टिकुलर प्लेस की या कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर आने के बाद में स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, लैग फेज आएगा, देन एक्सीलरेटिंग फेज आएगा, देन फिर क्या होगा बेटा, पीक पे जाने के बाद में उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, और तो क्या है, रिसोर्सेज क्या है यहाँ पर, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज क्या है बेटा, लिमिटेड हैं, तो के रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी को। तो यहां पर क्या है कि के माइनस एन पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा होने चाहिए, क्या के जो है वो क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा होता है एन के कंपैरिजन में। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी जब भी पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे एक लिमिटेड होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और कैरिंग कैपेसिटी कम है। के इज इक्वल टू एन होगा तो किसी तरह की कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगी, अगर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, यानी ग्रोथ आपको यहीं इसी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो आर एन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, और इसमें अपन ये और ऐड कर देते हैं k माइनस एन अपॉन के, और इसको अपन कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं k बाई के माइनस एन बाई के, तो इस k से ये कट गया तो ये आ गया, ये कई बार इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी लिखी हुई हमें मिलती है, ये इक्वेशन कुछ हमें इस तरीके से भी लिखी हुई मिलती है, 1 माइनस एन बाई के भी हमें यहाँ पे लिखा मिलता है, इसके ऐसे के ऐसे काट कर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कर्व है इसको अपन बोलते हैं कि स्टेटिक हो गया एसिम्प्टोमेट, ये कुछ इसकी स्टेजेस हैं, ये लैग है, फिर लॉग फेज आएगी, एक्सीलरेटिंग फेज आएगी, देन एसिम्प्टोट, यानी ये बिल्कुल स्टेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, ये बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद में बिल्कुल स्टेटिक हो जाता है, एकदम एग्जैक्ट हो जाता है कुछ इस प्लेस के ऊपर आने के बाद में। तो यहाँ पर ये अपने दोनों कर्व्स हो गए, ये दोनों कर्व आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज रखने हैं, बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है बेटा ये। पहला कर्व कौन सा था, एक्सपोनेंशियल कर्व था, एक्सपोनेंशियल के अंदर ग्रोथ एकदम से इंक्रीज होती है, और यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर पहले इंक्रीज होगी, देन बिल्कुल स्टेटिक हो जाएगी।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये दोनों इक्वेशन आपको लर्न करनी है और इन दोनों इक्वेशन को आपको थोड़ा समझ के लर्न करना है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बी माइनस डी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आर आई क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितनी बर्थ हुई कितनी डेथ हुई, ये सारी कितना उनका, फिर इससे अपन टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट डालता है आर। अगर आर बहुत ज़्यादा, सब अपना आर बढ़ाना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा डेथ हो रही उतनी ही ज़्यादा क्या हो, बर्थ भी हो, यानी मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। ये आपको रिटर्न में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है बेटा, ए पॉपुलेशन सर्वाइव ऑन द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द एरिया, ए पॉपुलेशन सर्वाइव ऑन द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द एरिया, रिसोर्सेज इंक्लूड फूड वाटर एंड स्पेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर यानी लिमिटेड कितने रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, कितने लोग वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, यही है रिसोर्सेज इंक्लूडेड फूड वाटर एंड स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होती है, कि जो एनिमल्स, किसी भी जो एनिमल्स काफ़ी स्ट्रेटजीज के थ्रू अपना रिप्रोडक्टिव एज या रिप्रोडक्टिव एज को चूज़ करते हैं, कि अलग अलग रिप्रोडक्टिव एज को फॉलो करते हैं, कैसे वो फॉलो करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से वो कैसे इफेक्टेड होते हैं, क्या उनको खतरे होते हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो बार बार अपने आपको अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम तक रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, 2-3 times, 4 times, 5 times। कुछ होते हैं कि जो एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं और एक ही बार रिप्रोड्यूस करने के लिए एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन लार्ज नंबर के अंदर करते हैं, तो इनको अपन 2 categories के अंदर डिवाइडेड कर देते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज हैं, आर सब यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसको इंक्रीज करना चाहते हैं, आर को इंक्रीज करना चाहते हैं, और ये आर को इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहलाता है, यानी बर्थ जितनी डेथ हो रही है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी बर्थ को यानी अपनी जो लाइफ है उसको क्या रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहलाता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, यानी जितनी डेथ हो रही है उतने, जितनी डेथ हो रही है उतने ही बर्थ वो अपने मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए लार्ज नंबर के अंदर वो अपनी प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वंस इन द लाइफ टाइम, कुछ होते हैं जो पूरी अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा, लेकिन वो लार्ज नंबर के अंदर करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बैम्बू बनाएगा, बहुत सारे बैम्बूज के वो फॉर्म कर लेगा एक ही बार के अंदर। सालमोन फिश है वो भी काफ़ी सारे एग ले कर देगी और उनसे काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में, लेकिन ये लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन, टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ साइकिल, कि कुछ होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर काफ़ी बार ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक ह्यूमन मैमल्स एंड बर्ड्स, ह्यूमन मैमल एंड बर्ड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। स्ट्रेटजी वन तो हमें समझ आ गई कि इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, एबायोटिक बायोटिक फैक्टर से अफेक्ट ना हो किसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म, और अपने नंबर को वो क्या करें, इंक्रीज करें और अपनी आर को बढ़ाएं, यही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। आर आप जानते ही हो नेचुरल इंट्रेंसिक फैक्टर, और उसको कैसे वो इंक्रीज करें। ठीक है, अब अपन बेटा नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, ये तो हुई स्ट्रेटजी नंबर वन, ये स्ट्रेटजी वन की बात हुई। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होते हैं, कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम 2 categories के अंदर, जो पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की, उसको अपन 2 categories के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेकेंड स्ट्रेटजी 2 categories में करते हैं। वन इज द के सिलेक्टेड एंड अनदर वन इज द आर सिलेक्टेड। के एंड आर सिलेक्टेड अपन दो तरह की स्पीसीज देखते हैं। अब के सिलेक्टेड इनको अपन बोलते हैं रैंडम, कि ये यहाँ पे मैंने दो गोले बनाए, ये रैंडमली प्रेजेंट है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, और ये जो होते हैं बेटा ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं, इन क्लस्टर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये कुछ क्लस्टर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब कौन से होते हैं ये, क्या डिफरेंस होता है इनका, तो ये सारी बातें अपन अभी डिस्कस करते हैं। देखो आर सिलेक्टेड, अब आप समझ गए होंगे कि जो रेंडमली होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं लायन की, तो ये रेंडमली एक जंगल के अंदर दो या एक शेर होता है,
दो होते हैं, तीन होते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा जंगल है तो तीन चार भी होते हैं। तो इसी तरीके से वो क्या होते हैं, रेंडमली अरेंज होते हैं। उनके अंदर स्ट्रगल जो होता है वो क्या होता है, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल उनको ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो नंबर में कम होते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रगल होता है वो लेस होता है। यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि वो नंबर में कम होते हैं तो उनको अगर वो जब बुढ़ापा आ गया तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई उसको शिकार करके नहीं देगा, उनको खुद को करना पड़ेगा। इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। इनकी जो एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो, अब सर ये तो आपने रेंडमली इसका एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ पर आपने के सिलेक्टेड में तो बता दिया लायन एलिफेंट, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल देते सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे चींटी, जैसे कॉकरोच, ये जो छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। जैसे कभी बारिश होती है काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हम जो हमारा लाइट होती है उसके पास में काफ़ी सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, सुबह वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी लाइफ स्पान क्या होती है, कम होती है, 1 to 2 days होते हैं। ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग, और ये होते हैं स्लो मूविंग। अब आपको सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ये होते हैं मोर मस्कुलर और ये होंगे लेस मस्कुलर। इनकी साइज स्मॉल होगी, इनकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है। यहाँ पे जो साउंड होता है वो मोर होता है, यहाँ पे साउंड होता है वो बेटा क्या होता है, बहुत ही कम साउंड होता है क्योंकि चीता दौड़ता है भयंकर तरीके से, ठीक है। और बेटा ये रेस्पिरेशन मोर करते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है वो कम होता है। और यहाँ पे ये लेट रिप्रोडक्शन करते हैं और ये जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये लेट रिप्रोडक्शन करते हैं 1 to 2 times करते हैं, 3 times करते हैं लाइफ में, लेकिन ये काफ़ी मतलब कम रिप्रोडक्शन करेंगे। इनको क्या करना पड़ता है, अपने सर्वाइविलिटी के लिए इनको अपना नंबर बढ़ाना पड़ता है। ये हमेशा रेंडमली प्रेजेंट रहते हैं, ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ये क्लस्टर में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि इनको खतरा होता है। चींटियों का नाल आपने देखा है कि सारी चींटियाँ एक लाइन के अंदर चलती हैं, कभी वैसे इंडिविजुअली वो नहीं चलती। इसी बेसिस पे अपन ने पॉपुलेशन को 2 species के अंदर डिवाइड कर दिया, 1 is the R सिलेक्टेड, 1 is the K सिलेक्टेड स्पीसीज, ठीक है बेटा। इसी के बिहाफ पे अपन ने इसको डिवाइड किया 2 parts के अंदर, और यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें लगभग क्या होती है बेटा, क्लियर होती है। K सिलेक्टेड, R सिलेक्टेड, आपके कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। NCERT को आपको बहुत ही अच्छे से आपको डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से आपको NCERT पढ़ना है। वेरी लेस साउंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। तो इसमें एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, 1 by 1 यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 4 factors हैं, कौन कौन से, बर्थ रेट, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, आई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, जिसमें से 2 जो हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, नेटेलिटी और आई माइग्रेशन है वो डेंसिटी के अंदर इंक्रीज करते हैं, 2 हैं वो डिक्रीज करते हैं, मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन। ये एक इक्वेशन बनती है किसी टाइम पीरियड के लिए, B+E - D+E, ठीक है बेटा। इसी रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपन ने देखा कि B+I अगर ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, अगर ये कम होगा तो डिक्रीज होगी। यहाँ पर फिर अपन ने 2 तरह के ग्रोथ मॉडल देखे, एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। जो लिमिटेड रिसोर्सेज के, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में उसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है, और ये इसकी इक्वेशन अपन ने देखी, B - D = R के इक्वल होती है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है बेटा। यहाँ पे फिर अपन ने लॉजिस्टिक देखा, लॉजिस्टिक के अंदर अपन ने देखा एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर इज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के इज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है बेटा। इसी कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पर ये लैग फेज है, एक्सीलरेटिंग फेज है और एसिम्प्टोट है, यहाँ पर ये इक्वल हो गया, यानी यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज में इसने काफ़ी स्ट्रगल किया उसके बाद में ये इक्वल हो गया। ये 2 equation है, ये कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसको लिखने का तरीका ये भी है, कैरिंग कैपेसिटी है वो पॉपुलेशन डेंसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो डेंसिटी कहाँ से इंक्रीज होगी, अगर ये हमेशा इंक्रीज होगी K = N नहीं होता है, ठीक है। K = N होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैटिक रहेगी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, किसी तरह की कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पर बेटा अपन ने ये देखी, कुछ स्ट्रेटजीज देखी, ये क्या होते हैं, पॉपुलेशन सर्वाइव ऑन द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द एरिया, रिसोर्सेज इंक्लूड फूड वाटर एंड स्पेस। और यहाँ पर अपन ने देखी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन स्ट्रेटजी 1, इसमें टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वंस इन ए लाइफ टाइम लाइक बैम्बू और सालमोन फिश, एंड यहाँ पे आ गया टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ साइकिल, जो बहुत सारे टाइम्स अपनी एग्स ले करते हैं, यानी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। एंड लास्ट 1 is the K and R selected species,
प्लीज नोट डाउन दिस।